हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ लाइटरूम का HDR ब्लैकटोन वाला प्रीसेट्स, जिसकी मदद से आप अपनी फोटो में कमाल का इफेक्ट दे सकते हैं। पर आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, बिना स्किप किए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो किस तरह का लगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप इस तरह के आने वाले वीडियो से मिस ना हो पाएं। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस एडिटिंग के लिए प्रीसेट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यार इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखते रहिएगा, बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करोगे तो आप नहीं जान पाओगे प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो आज मैं सबसे पहले अपना लाइट वेब ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे मैं लाइट वेब का वर्जन जो यूज़ कर रहा हूँ एकदम प्रीमियम वर्जन है। अगर आपको ये भी डाउनलोड करना है तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर डाउनलोड कर लें वहाँ से। तो डाउनलोड हो जाने के दोस्तों यहाँ से मैं अपना लाइट वेब ओपन कर लूँगा। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाइट मैप को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, इसमें प्रीसेट को कैसे ऐड करना है, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन अगर आएगा इमेज प्लस का आइकन, सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। तो हम टैप कर देंगे। टैप करने का दोस्तों आपके यहाँ पर नजर आएगा थ्री डॉट का ऑप्शन, इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पर जो JPEG और PNG लिखा है इसको यहाँ पर आपको अनटिक कर देना है। तो हम अनटिक कर देंगे। अनटिक करने का दोस्तों यहाँ पर जो आपके सारे के सारे प्रीसेट यहाँ पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आपका जो डाउनलोड प्रीसेट है यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाएगा। इसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेना है। तो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से आपको नजर आएगा ये ऐड का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर टैप करके यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीसेट यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका जो प्रीसेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तो सिंपली से ऐड हो जाने का दोस्तों आपको यहाँ पर ऑल फोटोज वाले सेक्शन में चले आना है और यहाँ से आपको प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीसेट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसे यूज़ कैसे करना है अपनी फोटो में, सिंपली आपको इस प्रीसेट को ओपन कर लेना है। तो हम ओपन कर लेंगे। तो इस प्रीसेट के इफेक्ट को अपनी फोटो में यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है थ्री डॉट का ऑप्शन पर। यहाँ से हम चले आएंगे। थ्री डॉट का ऑप्शन पर आने का दोस्तों आपके यहाँ पर नजर आएगा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, इसमें यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का दोस्तों आपको हमारा पहला ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन को बस हम चूज़ कर लेंगे। पहले ऑप्शन को चूज़ करना तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ऑल वाला सेक्शन, इसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने का दोस्तों आपको इसे यहाँ पर डन कर देना है। डन कर देंगे। डन करने का जो प्रीसेट की सेटिंग यहाँ पर इफेक्ट था वो कॉपी हो चुका है। आपको जिस भी फोटो में इस प्रीसेट के इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है उस फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम बैक जाएंगे और एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं बैक चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सी फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले बिफोर आफ्टर करके, यहाँ पर ये बिल्कुल भी एडिट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर और ये आफ्टर बिल्कुल भी एडिट नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं इफेक्ट को ऐड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है थ्री डॉट का ऑप्शन पर। यहाँ से हम चले जाएंगे। तो थ्री डॉट का ऑप्शन पर आने का दोस्तों आपके यहाँ पर नजर आएगा प्री सेटिंग का ऑप्शन, इसको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं क्लिक करूँ हमारी एक ही क्लिक में हमारी जो फोटो है कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो कितनी बढ़िया हो गई है। एकदम यहाँ पर कमाल का इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। और थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है इस वाले टूल पर। यहाँ से हम चले आएंगे। तो इस टूल पर आने का दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी शार्पनिंग को बढ़ा दूंगा। यहाँ से मैं नीचे थोड़ा सा स्मूथनेस को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्मूथनेस को बढ़ा देता हूँ। और इतना बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले टूल पर चले आना है। तो हम इस टूल पर चले आएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ा दूंगा। तो मैं इसे सैचुरेशन को भी बढ़ा देता हूँ। और सैचुरेशन को बढ़ाने को और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डन कर देना। तो हम डन कर देंगे। तो डन करने का दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी फोटो में कितनी कमाल की यहाँ पर क्लियरिटी आई है। तो बहुत ही यहाँ पर कमाल की हमारी डिटेल शो हो रही है। पहले फोटो हमारी कुछ इस तरह की थी बिफोर में, आप देख सकते हैं, और आफ्टर में कुछ इस तरह की हो गई है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह अपनी फोटो में इसी तरह की सेटिंग करके यहाँ पर इफेक्ट ऐड करते आना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक और फोटो में बता देता हूँ कि आपको ये वाला इफेक्ट कैसा लगा। नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ एक फोटो में बताया है। यहाँ पर मैं बैक जाऊंगा और दूसरी फोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा पहले। तो यहाँ से मैं इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने का दोस्तों आपको इसे यूज़ कैसे करना है, आपको यहाँ पर वापस जाना है थ्री डॉट का ऑप्शन पर। तो यहाँ से चले जाएंगे। थ्री डॉट का ऑप्शन पर आने का दोस्तों आपको यहाँ पर वापस क्लिक कर देना है प्री सेटिंग पर। तो हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं हमारी फोटो कितनी बढ़िया हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही क्लिक में कितनी शानदार हमारी फोटो यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर कमाल की हमारी डिटेल शो हो रही है। आप देख सकते हैं पहले फोटो हमारी कुछ इस तरह की थी बिफोर में और अब इस तरह की हो चुकी है, ठीक है ना। इस तो आपको भी सेम इसी तरह से इस स्टेप को फॉलो करके अपनी फोटो में इसे यहाँ पर ट्राई करते रहना है, ठीक है ना। और दोस्तों आपको इसे सेव करने का तरीका बता दूँ कि इसे सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है थ्री डॉट ऑप्शन पर। यहाँ से हम चले जाएंगे। थ्री डॉट ऑप्शन पर आने का दोस्तों आपके यहाँ पर नजर आएगा सेव टू डिवाइस का ऑप्शन, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का दोस्तों आपको यहाँ पहला ऑप्शन चूज़ कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना। तो हम ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी जो फोटो यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीसेट को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहाँ पर लिखा होगा प्रीसेट लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अपना क्रोम ब्राउजर।
तो यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट करो। अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर नहीं तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट करोगे कुछ इस तरह का आपके सामने अगर साइट ओपन हो जाएगा, तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है। तो हम नीचे चले जाएंगे, वैसे मैं थोड़ा सा नीचे चले जाता हूँ। नीचे जाने का दोस्तों आपको यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, आई एम नॉट अ रोबोट लिखा होगा। इस पर आपको सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे और क्लिक करने का दोस्तों आपका जिसका ग्रीन टिक आ चुका है तो आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं, और जिसका ग्रीन टिक नहीं आता और कुछ इस तरह का कैप्चा आ जाता है तो कैप्चा फिल करने का तरीका मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। तो फिल करने के दो तरीके हैं दोस्तों, एक पहला तरीका ये है। तो पहला तरीका क्या है, इसे हटाने का आपको यहाँ पर जाना है, इसे रिसेंड करना है और यहाँ पर पूरा पूरा हटा देना है, ठीक है। तो हटाने का दोस्तों आपको करना क्या, आपको वापस मेरी वीडियो में जाना है, सेम उसी लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने ये कैप्चा वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो फिल करने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, आपके यहाँ पर देखना है इसमें लिखा क्या है इस बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर जो नीले कलर का बॉक्स है इसमें लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है ए फायर हाइड्रेंट। इसका मतलब ये जो आग बुझाने का यहाँ पर ये वाला ये जो टूल होता है, इस पर आपको यहाँ पर देखना है यहाँ पर कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ से मुझे ये वाला दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और सिलेक्ट करने का एक और यहाँ पर आ जाता है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके फ़ोन में कुछ अलग कैप्चा आते होंगे, यहाँ पर जो भी लिखा आता हो, जैसे कार लिखा होता हो या फिर स्टोर फ्रंट या फिर साइन लिखा होता होगा, तो आपको उस यहाँ पर इस बॉक्स में देखना कि वो वाली फ़ोटो है कहाँ, ठीक है। और देखने के बाद आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेगा दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर दोबारा से एक कैप्चा आ चुका है, तो इसे भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जहाँ से मैं फिल कर दूँगा, इसे यहाँ पर लिखा है बस, तो मैं बस को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसे आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है, तो हम वेरीफाई कर देंगे। तो जैसे ही मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा हमारे सामने यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। तो ग्रीन टिक हो जाने का दोस्तों आपके यहाँ नीले कलर की पट्टी में लिखा हुआ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर देना है, तो हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने का दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। तो हम बैक आ जाएंगे, तो बैक आने का दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से दोबारा ये वाली साइट ओपन हो गई है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने का दोस्तों यहाँ पर एक काउंटडाउन चल रहा होगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे कि ये काउंटडाउन यहाँ पर चलता नहीं है, वहाँ पर मतलब रुखा रहता है। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, और अगर ये काउंटडाउन फिर भी नहीं हिलता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर वापस दोबारा से वही प्रोसेस करनी है। तो आपके सामने ये जो सेकंड यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये जीरो नहीं होता, कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपको यहाँ पर बैक आकर यहाँ पर रिफ्रेस कर देना है, तो आपके सामने ये जो काउंटडाउन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो हो जाने का दोस्तों आपके यहाँ पर नीचे लिखा होगा यहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन, इसको यहाँ पर क्लिक कर देना। तो क्लिक कर देंगे, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारे सामने यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये साइट ओपन होगी आपके यहाँ पर दोबारा से बैक आ जाना है। तो हम बैक आएंगे, तो बैक आने का दोस्तों हमारा जो पीछे यहाँ पर आ चुका है। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर ये वाला एरो नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यार सेम इसी ट्रिक को फॉलो करके मैंने यहाँ पर जो लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन दिया है आपको, यहाँ पर उसको भी सेम इसी तरह से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और आने वाले जो मैं स्टॉक दूंगा यहाँ पर, जो बैकग्राउंड दूंगा, सेम आपको इसी ट्रिक को फॉलो करके यहाँ पर डाउनलोड करते रहना है, ठीक है। तो यार उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो यार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को। और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बगल के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप इस तरह की आने वाली वीडियो से सबसे पहले अपडेट रह पाएँ। तो फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट में फिर कर लौटूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।